हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश इजीली में। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जिसे आप अपने डेली इंग्लिश वोकैब में ऐड कर सकते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Today's topic is simple versus advanced vocabulary words that we can use in our daily life. Tiring, T-I-R-I-N-G, tiring, इसका मतलब होता है थका देने वाला, थकाऊ। इसको हम रिप्लेस करेंगे grueling से, G-R-U-E-L-I-N-G, grueling। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। Working full time is very tiring. Working full time is very tiring. Working full time is grueling. Working full time is grueling. Full time काम करना बहुत ज़्यादा थकाऊ है. Full time काम करना बहुत ज़्यादा थकाऊ है. Second example देखते हैं. I did workout continuously for 2 hours. It was very grueling. I did workout continuously for 2 hours. It was very grueling. मैंने लगातार 2 घंटे तक वर्कआउट किया, यह बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। मैंने लगातार 2 घंटे तक वर्कआउट किया, यह बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। Very confused, V-E-R-Y, very, C-O-N-F-U-S-E-D, confused. इसका मीनिंग होता है बहुत उलझन या असमंजस्य में होना। इस वर्ड को हम baffled, B-A-F-F-L-E-D, baffled से रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। I was baffled about what to do next. मुझे आगे क्या करना है, मैं इसके बारे में बहुत उलझन में था। मुझे आगे क्या करना है, मैं इसके बारे में बहुत उलझन में था। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज रियली बेफल्ड बिटवीन 2 dresses टू वेयर। शी वॉज रियली बेफल्ड बिटवीन 2 dresses टू वेयर। वह पहनने के लिए 2 ड्रेस के बीच उलझन में थी। वह पहनने के लिए 2 ड्रेस के बीच उलझन में थी। रिस्की, R-I-S-K-Y, रिस्की, इसका मीनिंग होता है खतरनाक, खतरनाक या जोखिम भरा। इसको हम पेरिलस वर्ड के साथ रिप्लेस करेंगे, P-E-R-I-L-O-U-S, पेरिलस। एग्जाम्पल देखते हैं। लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर इज पेरिलियस। लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर इज पेरिलियस। ट्रेनर के कार चलाना सीखना जोखिम भरा है। बिना ट्रेनर के कार चलाना सीखना जोखिम भरा है। हंगरी, H-U-N-G-R-Y, हंगरी, इसका मीनिंग होता है भूखा, भूखा। इसको हम स्टार्विंग वर्ड से रिप्लेस करेंगे, S-T-A-R-V-I-N-G, starving. Get me something to eat, I am starving. Get me something to eat, I am starving. मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Isn't dinner ready yet? I am starving right now. Isn't dinner ready yet? I am starving right now. क्या अभी तक डिनर तैयार नहीं है, मैं अभी बहुत भूखा हूँ। क्या अभी तक डिनर तैयार नहीं है, मैं अभी बहुत भूखा हूँ। Very clean and tidy. Very clean and tidy. इसका मीनिंग है साफ सुथरा, साफ सुथरा या बेदाग, बेदाग। इसके लिए हमारे पास वर्ड है इमैक्यूलेट, I-M-M-A-C-U-L-A-T। एग्जाम्पल देखते हैं।
Your house is absolutely immaculate. Your house is absolutely immaculate. तुम्हारा घर एकदम साफ सुथरा है. तुम्हारा घर एकदम साफ सुथरा है. Very untidy. Very untidy. इसका मतलब है साफ सुथरा नहीं, साफ सुथरा नहीं, या अस्त व्यस्त, या अस्त व्यस्त. इसको हम रिप्लेस कर लेंगे cluttered. Cluttered. सेंटेंसेस देखते हैं. Why is your study table cluttered? Why is your study table cluttered? तुम्हारा स्टडी टेबल अस्त व्यस्त क्यों है? तुम्हारा स्टडी टेबल अस्त व्यस्त क्यों है? वेरी फनी. वेरी फनी. इसका मतलब है मज़ेदार, मजाकिया. इसको हम रिप्लेस करेंगे हिलोरियस. हिलोरियस. HILRIOUS. हिलोरियस. His joke was really hilarious. His joke was really hilarious. उसका चुटकुला सच में मज़ेदार था. उसका चुटकुला सच में मज़ेदार था. It was such a hilarious movie. It was such a hilarious movie. ये सच में एक मज़ेदार मूवी थी. ये सच में एक मज़ेदार मूवी थी. Very tired. Very tired. इसका मीनिंग है बहुत थका हुआ. बहुत थका हुआ. इसको हम रिप्लेस करेंगे drained. Drained. एक सेंटेंसेस देखते हैं. You are looking completely drained. You should rest. You are looking completely drained. You should rest. तुम पूरी तरह से थके हुए लग रहे हो. तुम्हें आराम करना चाहिए. तुम पूरी तरह से थके हुए लग रहे हो. तुम्हें आराम करना चाहिए. When I traveled continuously for 10 hours, I felt very drained. When I traveled continuously for 10 hours, I felt very drained. जब मैं लगातार 10 घंटे तक यात्रा की तो मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था. जब मैंने लगातार 10 घंटे तक यात्रा की तो मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था. Very thirsty. Very thirsty. इसका मतलब है बहुत प्यासा. बहुत प्यासा, या सूखा हुआ. या सूखा हुआ. इसको हम रिप्लेस करेंगे parched. Parched के साथ. When I went for a hike, my throat was parched. When I went for a hike, my throat was parched. जब मैं एक पैदल यात्रा पर गया तो मेरा गला सूखा हुआ था. जब मैं एक पैदल यात्रा पर गया तो मेरा गला सूखा हुआ था. एग्जाम्पल देखते हैं. I need a glass of water, I am very parched. I need a glass of water, I am very parched. मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ. मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ. बस इतना ही. कल मिलेंगे न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.